अच्छा आए ना आपको एजाज असलम से और ये हम हैं गुस्ताख ड्रामा जो आइस मीडिया का जो प्रोडक्शन है ऑनर जाएगा इंशाल्लाह उसके सेट पर और आप जानते हैं एक तो रोशू का नाम आपने सुना होगा और याद है सब लोगों को कि ये रोशू हैं और ये देखें चेहरे पर शेर ये चार साल के बाद शेर कर दिया हाँ खुदा जी और जो है ना हमारा आइस मीडिया मेरा इसमें शायद ये तीसरा प्रोजेक्ट और मैं इस प्रोडक्शन में इतना मैं इजी और इतना यानी रिस्पेक्टेबल फील आती है मुझे और ये सारे रूहे रवा जो है ना आइस मीडिया के तो बताइए ना कुछ अपने आइस मीडिया के बारे में बस ये इस प्रोडक्शन के बारे में ये प्रोडक्शन स्क्रिप्ट चल ऐसा प्रोजेक्ट है जो सब हर एक को पसंद आएगा इसकी स्टोरी इस तरह इंशाल्लाह बहुत मज़े की स्टोरी नहीं कहानी तो डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते बिल्कुल याद आता है उनका माना कश्को बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने सोशल मीडिया पर अच्छा टाइम बहुत फर्क था अच्छा देखें ये मैं इनकी बात काट रहा हूँ ये कितनी अच्छी बात है कि जो प्रोफेशन के वो पर्टिकुलरली प्रोडक्शन में आ रहे हैं और हमें चाहिए वैसे तो सारे अच्छे हैं हमें चाहिए कि जो प्रोफेशनल हैं वो इस काम को जानते हैं अच्छी तरह उनको प्रमोट करें और यहाँ ये भी ऐड करूँगा कि चैनल्स हमें चैनल्स अच्छा जब मैं आपको बताऊँ कि ये जो है ना अपने उस्ताद इसमें अगर चाहिए लेकिन इसकी कास्ट जबरदस्त बहुत बड़ी कास्ट जी हाँ इसमें कैमरा घुमाए तो सब हाँ ये देखिए ये वैक्स खड़ी है या मैं हूँ यशना जख्मी दिल से भी और घुटने से और ये मरियम अस्सलाम वालेकुम जी कहाँ है वालेकुम गुस्ताख के सेट पे हैं गुस्ताख के सेट पर हैं लेकिन एजाज जो है ना वो गुस्ताख नहीं पार्टी में जाना है गुस्ताख कौन अच्छा क्या कह रही थी मरियम आप कुछ कह रही नहीं मैं ये कह रही थी कि ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द ऑनियर होने वाला है आप लोग देखिएगा उसे पसंद कीजिएगा फेसबुक पे इसका फीडबैक दीजिएगा पेज पर नजब मैं बस दो मिनट और लूँगा मैं जरा सा गपशप जो है ना उस दिन तनवीर को तो रिकॉर्ड किया था आज जरा सा फैसल के साथ और मैं आपको बताऊँ एक अच्छी देख लेता हूँ और ये बहुत रेयरली देखने में आता है हमारा इनका तो बहुत मेरा पहला सीरियल आप ही के साथ मतलब ये कि मेंटोर हैं क्या अच्छा जी फिर और